नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश में मौसम के तीखे मिजाज को देखते हुए एक बार फिर से ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। 15 जून से खुलने वाले स्कूलों में इससे पहले 19 जून तक के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन मौसम के मिजाज सख्त देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से ग्रीष्मकालीन अवकाशों में इजाफा कर दिया है। इसकी जानकारी स्वयं स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि मौसम में हो रहे बदलाव के चलते कई जगह हवा आंधी बारिश हो रही है, तो कई जिलों में लू और हीट वेव के लिए अलर्ट जारी है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री परमार की घोषणा के अनुसार अब 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय 30 जून तक बंद रहेंगे। प्रदेश में 1 जुलाई 2023 से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन हो सकेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट कर बताया कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई 2023 को खुलेंगे और कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालयों में कक्षाएं 20 जून से 23 जून तक सुबह की पाली में संचालित होंगी। कक्षा 5वीं की परीक्षाएं निर्धारित समय सारणी के अनुसार होंगी। 1 जुलाई 2023 से सभी विद्यालय नियमित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगे। वहीं आपको बता दें, मौसम के मिजाज को देखते हुए इससे पहले भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल के लिए आदेश जारी किए थे कि भोपाल में 20 जून से ही सरकारी और निजी स्कूल खुलेंगे। इस आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर ने आदेश निकाले, जबकि बाद में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए आदेश निकाले थे कि 19 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। बावजूद इसके मौसम के मिजाज में बदलाव होता नहीं देखा। अब स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश में वृद्धि की है।